हाय फ्रेंड्स, मैं दादा और आपका स्वागत है एक्सप्लोरिंग माइंड्स में। आज के ब्लॉग में हम लोग करनाला फोर्ट और करनाला जो बर्ड सेंचुरी है, मतलब पक्षी अभयारण्य है, वो देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग जहाँ से एंटर किए हैं, मतलब मेन गेट से, तभी हमको पता चला कि जो बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभयारण्य है, वो बंद है, या फिर जो यहाँ पर कैंटीन्स है वो सब बंद है। मतलब हमारी एक प्रकार की निराशा हो गई है, लेकिन कम से कम आज फोर्ट तो देखने को मिलेगा। इस इरादे से हम लोग अभी आगे निकलेंगे। जितना भी रास्ते में हम लोगों को मिलेगा देखने लायक या दिखाने लायक, मैं आपको सब आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करनाला बर्ड सेंचुरी में लगभग 147 प्रजातियों के स्थानीय पक्षी पाए जाते हैं और 37 प्रकार के प्रवासी पक्षी हैं वो पाए जाते हैं यहाँ पर। जो प्रजातियाँ हैं उनकी, वो यूरोप, उज़्बेकिस्तान, इस देश से ज़्यादा आते हैं यहाँ पर प्रवासी पक्षी जो है। यहाँ पर अगर आप बर्ड सेंचुरी से ऊपर आएंगे तो जो पहाड़ है, मतलब जो आपको ट्रैक करनी है, वो बिल्कुल खड़ी है। हालांकि इससे जो पहले वाला जो मेरा व्लॉग था सुधागढ़ का, उसका लिंक आपको आई बटन पे ऊपर आ रहा होगा। लेकिन जितनी वहाँ पर तकलीफ हुई थी हम लोगों को, मतलब धूप बहुत ज़्यादा थी, उतनी यहाँ पर तकलीफ नहीं हो रही है क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अभी हम लोग आए हैं नागेश पॉइंट पे। यहाँ से अगर आप देखेंगे, मतलब वो बोर्ड पे लिखा गया है कि पातालगंगा रिवर, कोकण रेलवे ट्रैक और MIDC जो है, पातालगंगा MIDC वो दिखती है। लेकिन मुझको तो सिर्फ यहाँ पर झाड़ी बहुत है, इसलिए कोकण रेलवे का ट्रैक और पातालगंगा MIDC दिख रही है, बाकी रिवर तो कहीं दिख नहीं रही है। आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे तो आपको हर एक जगह, जहाँ पर दो रास्ते हैं या फिर तीन रास्ते हैं, वहाँ पर हर एक जगह आपको बोर्ड्स मिलेंगे किले कड़े जाने का रास्ता, मतलब किले पे जाने के लिए जो रास्ता है उसका। अगर आप करनाला फोर्ट देखने के लिए आएंगे या फिर ट्रैकिंग के लिए आएंगे यहाँ पर, तो मुझे लगता है ये जो ट्रैक है पूरा, आपको अप्रॉक्स 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर का ट्रैक होगा ये। और अभी हम लोगों ने 11:30 बजे चालू किया था और अभी बचे हैं 12:15, मतलब हम लोगों को 45 मिनट लगे हैं ऊपर आने के लिए। अभी फर्स्ट स्टेप चढ़ने के बाद अभी हम लोग आए हैं सेकंड स्टेप पे।
करनाई माता का मंदिर है, अभी मंदिर में दर्शन किया हम लोगों ने। यहाँ से अभी थर्ड स्टेप है वो चालू होगी, बिल्कुल खड़ा ट्रैक है और आज ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, पसीना बहुत जा रहा है, उससे ज़्यादा तो थकान हो रही है। अभी मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो करनाई माता का मंदिर है, 1994 में बांधा गया है। जो अंदर पाषाण है मतलब देवी की मूर्ति है वो बहुत पुरानी है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं तीसरे पड़ाव के लिए जो हमें लेके जाएगा ऊपर किले पे। लगभग हम फोर्ट पे पहुंच गए हैं। अभी कुछ जगह ऐसी है वहाँ पर आपको बहुत सावधानी से ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड में खाई है। वैसा ही एक जगह है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वहीं से हम लोग को अभी ऊपर जाना है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं किले पे, जो मेन ऊपर का सरफेस है उस पे, और ये यहाँ पर एक शायद से महल होगा या फिर दूसरी कोई रहने की जगह होगी। अंदर तो देखने लायक कुछ भी नहीं है और ऊपर का छप्पर भी पूरा टूट चुका है। अभी हम लोग देखेंगे आगे। किले पे जितना भी कंस्ट्रक्शन है वो सब टूट चुका है, मतलब सिर्फ अवशेष बाकी है। ये यहाँ पर पानी स्टोर करने के लिए पानी के टाके बनाए हैं और उसके आगे देखिए अंदर रहने की जगह है, कूड़ा केव्स है। ऊपर आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, कूड़ा केव्स का। कूड़ा केव्स के बारे में अगर आप देखेंगे तो सेम वैसे ही है। अभी हम लोग किले का थोड़ा इतिहास देखते हैं। ये किला लगभग 1200 साल पुराना है। ये किला भोज, शिलाहार, यादव, मराठे और मुगलों के कब्जे में था, उसके बाद वो अंग्रेजों के पास चला गया। ये जो किला है ये 1656 में मराठों के पास आया था और उसके बाद पुरंदर में जो युद्ध संधि हुई थी, या फिर मराठी में उसको तह बोलते हैं, पुरंदरचा तह, वो युद्ध संधि में ये किला फिर से मुगलों के पास चला गया था। तो इसकी हिस्ट्री ऐसी है, 1656 में ये किला मराठों के पास आया, उसके बाद 1659 में मुगल बादशाह आलमगीर औरंगजेब, आलमगीर मतलब आलम मतलब दुनिया और गिर मतलब गिरफ्त करने वाला, ये जो उपाधि है औरंगजेब ने खुद को दे रखी थी, दुनिया को गिरफ्त करने वाला मतलब आलमगीर। तो 1659 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने शाइस्ते खान को दक्खन का सूबेदार पद पे नियुक्त किया। उसके बाद शाइस्ते खान पुणे के लाल महल में आके रहने लगा 1660 से 1663 तक। दक्खन में सूखा पड़ने के वजह से स्वराज्य की मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके बाद 1663 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो पुणे में लाल महल है उधर छापा मार के या फिर वहां पर आक्रमण करके जो शाइस्ते खान है उसकी उंगलियां काट दी थी, लेकिन शाइस्ते खान बच गया वहां पर। शाइस्ते खान वहां से भाग जाने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1664 में जो शाइस्ते खान के वजह से और सूखे के वजह से, जो 4 साल सूखा पड़ा था उसके वजह से जो स्वराज्य की हानि हुई थी उसके लिए सूरत की लूट की, और सूरत की लूट करने के बाद उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से सीधा सीधा युद्ध घोषित कर दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का बंदोबस्त करने के लिए औरंगजेब ने
मिर्जा राजा जयसिंह जो है उनको दखन पे आक्रमण करने के लिए भेजा और उनके साथ पठान सरदार दिलेर खान इसको उनके साथ में भेजा मिर्जा राजा जयसिंह के साथ। और उन्होंने दखन में आने के बाद पुणे का जो पुरंदर का किला है वहां पर उन्होंने आक्रमण किया। 31 मार्च 1665 में पुरंदर जो है किला पुणे डिस्ट्रिक्ट में वहां पर नीचे मराठों में और मुगलों में युद्ध हुआ और उस युद्ध का नेतृत्व मराठों की तरफ से मुरारबाजी देशपांडे कर रहे थे। युद्ध के एक महीने बाद पुरंदर के बाजू में एक छोटा किला है वज्रगढ़, वो किला मुगलों को अपने कब्जे में लेने में सफलता हासिल हुई और शिवाजी महाराज को लगा कि मुगलों की ताकत हम लोगों से ज्यादा है, इसलिए शिवाजी महाराज का ऐसा विश्वास था कि अभी एक कदम हम लोग पीछे आएंगे तो उसी दुगनी तेजी से हम लोग आगे जाके जीत हासिल करेंगे। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने वहां पर मराठों की जान ज्यादा नहीं गंवाई या फिर ज्यादा मराठा जो सल्तनत है या फिर जो मराठा स्वराज्य है उसको हानि नहीं पहुंचाते हुए मिर्जा राजा जयसिंह के साथ जो तह किया वो तह इतिहास में या फिर युद्ध संधि है वो इतिहास में पुरंदर का तह जो मराठी में कहते हैं या फिर पुरंदर की युद्ध संधि ये बहुत फेमस है। और ये जो युद्ध संधि हुई उस युद्ध संधि में मराठों को मुगलों को 23 किले देने पड़े और उन 23 किलों में से ये जो किला है ये है करनाला। और एक बात और बता दूं, ये जो खड़ा पहाड़ है उसके नीचे जो ये केव्स बने हैं ये केव्स एक्चुअल यहाँ पर पानी नहीं है ऊपर, तो पानी का बंदोबस्त करने के लिए अगर बारिश में पानी गिरेगा तो वहाँ पर पानी गिरने के बाद सीधा नीचे आके वो केव्स के अंदर घुस जाएगा और वहाँ पर स्टोर हो जाएगा, इसलिए ये पानी के टाके या फिर केव्स बनाई गई है। लगभग करनाला फोर्ट जो है वो कवर करके हो चुका है। अभी जो मेरे पीछे आपको जो दिख रहा है एक थम्स जैसा हमारा थम होता है वैसे खड़ा है वो पहाड़, वो पूरा बेसाल्ट का है, 125 फीट उसकी हाइट है अप्रॉक्स, और उसको पांडूस टावर ऐसे ये नाम से भी जाना जाता है। वो जो है पहाड़ बेसाल्ट का वो मोस्टली उस समय में जब ये बनाया गया फोर्ट तो वॉच टावर के लिए उसका उपयोग किया जाता था। वहाँ से आप अगर ऊपर से देखेंगे या थोड़ा आगे से देखेंगे तो वहाँ से आपको जो मुंबई का चैनल है जो अरेबियन सी का मुंबई का चैनल है अंदर जो जहाँ से सिप आते हैं या फिर जेएनपीटी है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट वहाँ का चैनल समंदर का पूरा दिखता है। यहाँ से मैं यहाँ से अभी आपको जो जेएनपीटी का चैनल है या फिर मुंबई का जो चैनल है अरेबियन सी का वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन शायद सही दिख पाए, कोहरा बहुत ही ज़्यादा है। ये जो करनाला फोर्ट का ब्लॉग है उसमें मैंने आपको करनाला फोर्ट की हिस्ट्री बताई या फिर जो मेन मेन पॉइंट्स हैं यहाँ के वो हम लोगों ने कवर किए हैं। यहाँ पर अगर आपको आना है तो बेसिकली ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, मतलब महाराष्ट्र के कोकण डिवीजन में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये किला पनवेल तहसील में। और यहाँ पर अगर आपको पहुँचना है या फिर आना है तो आपको पुणे से या फिर मुंबई से आ रहे हैं आप तो आपको पनवेल ही सबसे नज़दीक स्टेशन है और वहाँ से आपको आपकी अगर प्राइवेट व्हीकल है तो आपको यहाँ वहाँ से पनवेल से लगभग 12 किलोमीटर है। और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको बसेस है या फिर ऑटो है या फिर टैक्सीज है, तो टैक्सी या फिर ऑटो आप प्रेफर करना चाहते हैं आपका ग्रुप है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सिंगल है या फिर छोटा ग्रुप है आपका तो आप बस यूज़ करेंगे यहाँ पर आने के लिए या फिर बस में बैठेंगे पनवेल से तो एक 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है आपका, कम खर्चे में यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं।
ये जो ब्लॉग है, ये जो ब्लॉग मेरा करनाला फोर्ट का, ये आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, आपके जो दोस्त है या फिर आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकॉन पर प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।